आरा का न्यायालय बिक चुका है, कोर्ट बिक चुका है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ज्योति सिंह के पिता का, जिन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि उन्हें आरा के न्यायालय पर विश्वास नहीं है और कोर्ट बिक चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी जिन्हें सुनकर उन्हें ये यकीन हो गया कि यहाँ उन्हें और उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो केस बलिया लेकर आ रहे हैं, केस को बलिया ट्रांसफर करने में लगे हैं। जी हाँ, ज्योति सिंह के पिता ने बताया कि वो 27 सितंबर को जब वो आरा कोर्ट गए और अंदर जब वो दाखिल हुए, तब जज साहिबा को उन्होंने पवन सिंह से बात करते हुए देखा, जहां वो पवन सिंह से अपने किसी रिश्तेदार को फिल्म में काम दिलाने की बात कर रही थी। तभी से उनका विश्वास आरा न्यायालय से उठ गया और तभी से ज्योति सिंह के पिता ये बात कह रहे हैं कि आरा का कोर्ट बिक चुका है। वेल, इस समय ज्योति और पवन सिंह का तलाक सुर्खियों में बना हुआ है और वन टाइम सेटलमेंट में पवन सिंह ज्योति सिंह को 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हुए हैं। इस पर ज्योति के पिता का कहना है कि उनके 1 करोड़ रुपए से मेरी बेटी का भविष्य नहीं सुधर जाएगा, मैं उनको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आए ले जाए मेरी बेटी को और सम्मान पूर्वक रखें। वेल, ज्योति के पिता के इस बयान पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।